वेलकम दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग केवल 10 मिनट में बहुत से ज़्यादा मतलब 30 क्वेश्चंस के आसपास करने वाले हैं। ये समझ लीजिए इस क्वेश्चन में आप लगभग 50 क्वेश्चन से ज़्यादा को सीखेंगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? फिजिक्स के क्वेश्चन है, फिजिक्स क्लास है, ठीक है। रेलवे में फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के अकॉर्डिंग सेशन तैयार किया है। तो एक चौथाई रह जाएगी, क्या हो जाएगी? एक चौथाई रह जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। बताइए, राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 4 गुनी। ध्यान रखना, गतिज ऊर्जा किसी वस्तु जो होती है उसकी गति के कारण उसमें जो क्षमता आ जाती है गतिज ऊर्जा होती है। फॉर्मूला क्या है? 1/2 mv2। ठीक है, बिल्कुल। संवेग दुगना हो जाता है, अगर संवेग अगर दुगना हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके लिए, घड़ी की चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में क्या? आप सभी को बताना है जल्दी से। वेरी गुड, कमेंट करके आप सभी आंसर बताएंगे। स्थितिज ऊर्जा स्थगित होती है, ऑप्शन डी। अपना हर आंसर कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिए, ऑप्शन डी। अब देखिए, जिस वस्तु की स्थिति में या उसके आकार में मान लो कोई चेंज करते हैं, है ना, तो उस कार्य करने से जो क्षमता आती है वो उस वस्तु की क्या है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, इसके फॉर्मूला क्या है? क्यू बराबर mgh। ठीक है, जैसे तनी हुई गुल्ली, छड़ की कमान, छत पे खड़ा बालक, पहाड़ पर जमा पानी, ये क्या है? स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए, अकेडमी आपके लिए लेकर आया है। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो 29 दिसंबर से एक शानदार बैच वाईफाई टीम के द्वारा, अनअकेडमी टीम के द्वारा, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया है, और इसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स होंगे। तो 29 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। अभी अनअकेडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज कर लीजिए। ओनली GK कोड डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, नए नए बेचेज हैं, SSC CGL की तैयारी, ऑल सिलेबस कवर करवाया जाएगा, और ब्रह्मास्त्र बेच है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा एंटायर सिलेबस इसमें कवर करवाया जाएगा। वाईफाई का सफलता बेच इसमें ज्वाइन करवाया जाएगा, और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बहुत सारे नए नए बेचेज आपके लिए लाए जा रहे हैं। तो चलिए, सब्सक्रिप्शन हाइक होने वाली है, प्राइस ज्यादा होने वाली है 31 दिसंबर से, उसे पहले परचेज कर लीजिए। ओनली GK कोड, ओनली GK कोड से। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, 10% आपको मिल जाएगा, और फ्री क्लासेस के एक्सेस के लिए भी ये कोड आप यूज कर सकते हैं। चलिए, सो लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन, स्थिर अवलंब से लटके एक लंबे धागे से बंधा एक छोटा पदार्थ इधर उधर झूल रहा है, तो पदार्थ, अगला राइट आंसर देखो क्या होगा। ध्यान रखना, फिजिक्स टफ है, समझना थोड़ा सा मुश्किल है, कि एक स्थिर अवलंब से, एक लटका हुआ, एक लंबे धागे से बंधा, एक लंबे धागे से बंधा एक छोटा सा पदार्थ है कोई, वो इधर उधर झूल रहा है इस तरीके से, ऐसे ये पदार्थ कभी इधर आ रहा है कभी इधर आ रहा है, तो गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होगी। क्या होगी? गतिज ऊर्जा दोलन के बीच क्या होगी? अधिकतम होगी। अगला प्रश्न, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुक जाता है, जिससे क्या होता है? वेरी गुड, बिल्कुल, उसकी स्थिरता में वृद्धि होती है। क्या होती है? स्थिरता में वृद्धि होती है। देखो, किसी वस्तु का जो गुरुत्वीय केंद्र है वो पॉइंट है जहां वह कार्यभार संभालता, चाहे वह किसी भी स्थिति में रखा जाए। अगला प्रश्न, भूस्तरीय या तुल्यकालीन उपग्रह के घूर्णन का आवर्त काल 24 घंटे होता है, कितना होता है? 24 आवर, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अगला क्वेश्चन, परिक्रमणता अंतरिक्ष यान से एक सेब बाहर छोड़ा जाए, अगर अंतरिक्ष बाहर से एक पिंड को छोड़ा जाए तो वह, वेरी गुड, वो यान के साथ ही उसी वेग में क्या करेगा? गमन करेगा। यान के साथ, वाहन के साथ, उस उपग्रह के साथ क्या करेगा? गति करेगा। समुद्र के पानी का घनत्व तो बढ़ जाता है जैसे जैसे उसकी गहराई और खारापन दोनों में वृद्धि होती है। जैसे जैसे पानी का घनत्व तो बढ़ जाता है, उसकी गहराई तो बढ़ती ही है, साथ में उसके खारेपन में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। नदी में तैरते जलयान जब समुद्र में जाता है तो यह
अगर आपको इस लेवल के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, क्योंकि देखो रेलवे टफ एग्जाम आते हैं, एसएससी रेलवे दोनों एग्जाम में साइंस बहुत टफ पूछी जाती है, तो वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। जलयान क्या हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि जो नदी का जो पानी है उसका घनत्व समुद्र के जल की घनत्व की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। वीडियो को पॉज करके और दो बार वीडियो को जरूर देखना। स्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्यों? क्योंकि जो स्पात है उसकी अपेक्षा पारे का घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके लिए है, अधिकतम ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर क्या होगा, ए बी सी या डी? बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा वायु पंप की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या होगा, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी, ये आपको बताना है, विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी? तो वो राइट आंसर होगा रक्त परिसंचरण, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एंटीजन क्या है? इस तरह की शानदार वीडियो तो डेली 100 क्वेश्चन 25 मिनट में, केवल 25 मिनट में 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट में हम लोग डेली अपलोड करते हैं, और अपना स्कोर हमारे साथ जरूर शेयर करें। कल रात को भी हुआ था, डेली रात को 9 बजे। बिल्कुल, एंटीजन है एंटीबॉडी के निर्माण हेतु प्रेरक, वेरी गुड। अगला प्रश्न, कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है और पुलिस का पुलिस रक्षक कहलाता है? जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर होगा लीवर यानी यकृत। अगला प्रश्न, मादा मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है, वेरी गुड, क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल सही है, ए 22+X। अगला प्रश्न क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम होता है क्या? राइट आंसर, सभी लोगों को अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, X0 टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया रोग होता है, हीमोफीलिया रोग होता है, सही आंसर क्या होगा, ए बी सी और डी, आनुवंशिकी और लिंग सहलग्न रोग, ऑप्शन ए। फिजिक्स और साइंस के क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल होता है, तो इस घबराए नहीं और मेरे साथ लगातार इस क्वेश्चन को सोल्व करें। अगर पिता रुधिर ए है, माता बी है, तो संतान कौन सा होगा संभव? ए बी हो सकता है, बी बी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, और ओ बी हो सकता है। श्वेत क्रांति का किससे संबंध है? सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। वर्गीस कुरियन, कौन है? वर्गीस कुरियन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, आर एच कारक के खोजकर्ता कौन है? आर एच कारक के खोजकर्ता कौन है? राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, सभी लोग कर रहे हैं, लिंडा स्टेनर एंड बोनर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या होगा, सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं? वेरी गुड, कौन सी अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं? बहुत अच्छा, राइट आंसर होगा एनाफेज। बिल्कुल, वृद्धि वलय यानी ग्रोथ रिंग किसकी क्रिया से बनते हैं? बहुत शानदार, जबरदस्त क्वेश्चन है, कैम्ब्रियम, कैम्ब्रियम। अगला क्वेश्चन, जब पराग धानी से परागण वर्तिकार पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं, तो परागण का अर्थ क्या है? पराग ध्वनि से परागकण का वर्तिकांग पर पहुंचना। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक करना। हमारे 100 क्वेश्चंस का जो सीरीज है, जो 25 मिनट में आपकी तैयारी को चेक करती है, उसको जरूर देखना, है ना। व्हाइट क्वेश्चन में रात को 9 बजे डेली आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपना स्कोर मेरे साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू।